एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो द सीन इज के आज हमारे पास दो तीन दिन के बाद धूप निकली है, इट्स विंडी। कल बहुत ज़्यादा विंड थी, आज कंपैरेटिवली सीन अच्छा है और ठंड भी काफ़ी कम हो गई है हमारे पास। लाइक इट वॉज -5 एंड -6 और अभी हमारे पास जस्ट 6 और 7 और 5 टेम्परेचर है, मतलब यही कुछ है। एनी वेज, लेट्स स्टार्ट द डे। डॉल हाउस हमारा डे लाइट में कुछ ऐसा लग रहा है और अभी तक ये यहीं पे पड़ा हुआ है। आई होप कि शाम तक जब आके पाएंगे तो हम लोग इसको ना शाम को प्लेइंग रूम में मूव कर लेंगे। अंजिश अभी सो के उठी है, मनीहा अभी तक सो रही है, इसकी क्लास का टाइम हो गया बट ये नहीं उठ रही। मैं इसको बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, सो अभी मैं फटाफट मनीहा को उठाऊँगी, इसको कुरान पाक की क्लास के लिए बिठाऊँगी, फिर हम लोग नाश्ता बनाएंगे एंड सो ऑन। हम लोग अपनी रूटीन कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग की डेली रूटीन होती है। अंजू शापा को बोलो लायला लायला की क्लास का टाइम हो गया, गेट अप। लायला की क्लास ले लो पापा, गेट अप प्लीज। लेट सोई हूँ तो ये तो आपकी मिस्टेक थी ना, आपको जल्दी सोना चाहिए था। सोने दो ना तो। चलो उठो मेरी बेटी प्यारी सी, उठो। Oh no, we are already late, Maniha, get up please. Anjush, what happened? Ji. Pass number 2. Shabash, kya bana? Let's go. Ya baba. Nahi. Maniha 68. Let's go. No ka. इतनी अच्छी धूप आ रही है आज और सर्दी भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एनीवेज, मैं और अंजुश आ गए नीचे, मैं बनाऊंगी अब नाश्ता। एक्चुअली एग फ्राई हो रहा है, दिस इज द ऑमलेट दैट आई एम गोना मेक फॉर मी, और चाय भी मैंने रख दी है। फटाफट एक रोटी बनाएंगे और बच्चों को नाश्ता करवाएंगे। से बिस्मिल्लाह, मनिया से बिस्मिल्लाह। ओके ओके, पुट इट डाउन। Why? Because आज so much cold, sunny and cold. हाँ। Yeah. Okay, so what's up? और हमें शायद कुछ चादर तो और की सोना पड़ता है। चादर तो नहीं ओढ़ते, हमें तो ब्लैंकेट लेना पड़ता है। हाँ। पंखे भी नहीं चला सकती क्योंकि इधर तो पंखे भी नहीं है। इधर तो पंखे ही नहीं है। इसलिए गर्मियों में हमें आइसक्रीम खानी पड़ती है। ये क्या लॉजिक है? लॉजिक। अंदर रेडी होके बैठी हुई है आपा को स्कूल छोड़ने जाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल एंड वी आर ऑलरेडी लेट। चलो लेट्स गो। यस, चलो 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 लेट्स गो। हरी अब ठंड लग रही है और मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी मेरी हवा की वजह से कि नहीं। बाकी यार सीन है कि आज मैंने कुकिंग करनी है। बीफ मैंने सुबह सुबह उठ के डिप कर दिया था, वो अभी तक डिफ्रॉस्ट हो गया होगा, तो अभी मैं बीफ बनाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी और घर के काम, रूटीन के सफाइयाँ शफाइयाँ एंड ऑल दैट। बाकी सच और कुछ भी नहीं है डिफरेंट हमारी आज की रूटीन में, और डेफिनेटली अगर कुछ होगा तो आई विल टेल यू गाइस। और सारे दरख्तों में से पत्ते गिर गए, बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं किसी भी दरख्त पे। जब हम लोग गए थे तो ये सारे ग्रीन थे, लेकिन अभी एज यू गाइस कैन सी
सब में से पत्ते उड़े हुए हैं। और आज मैंने पूरा प्लान किया हुआ था मैंने यहाँ को स्कूल से छुट्टी करवाने का, कल जितनी ज़्यादा मैं थक गई थी उसके बाद मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर आप थोड़ी सी भी बारिश होती ना तो मैंने मैंने यहाँ को छुट्टी करवानी थी, बट ये है कि वेदर क्लियर था सिवाय विंड के, तो हम लोग चले गए। और अब मैं कल देखूँगी, कल हमारे पास प्रेडिक्शन है कि रेन है, तो अगर बारिश हुई तो मैं फिर मैंने यहाँ को स्कूल से छुट्टी करवा लूँगी, क्योंकि यहाँ इस ठंड में मैं बारिश में बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ बच्चों को बाहर लेके जाने के। और बस अब मेरे रूटीन के काम सारे ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपनी ड्राइविंग से रिलेटेड काम। मैंने घर के डोर के बाहर ये मैट रखा है, और बाहर इतनी तेज़ हवा है जब से मैंने इसको रखा है, कभी ये गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ होता है, कभी ये वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, और आके मुझे कहते हैं कि ये उड़ के कहीं चला जाएगा। सो आई हैव नो अदर ऑप्शन, मैं इसको कहाँ रखूँ, ये मैट तो इधर ही होता है, इसकी यही जगह होती है, अंदर इसको रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, और अंदर डोर के पीछे तो ये रख भी नहीं सकती मैं। सो इसका कुछ ये सीन है कि बार बार उड़ जाता है और इसको हम बार बार उठा के रखते हैं। अंजुश को देंगे हम ग्रेप्स ताकि थोड़ी देर अंजुश बैठी रहे, और मैं फटाफट जी ओके स्पून दे देती हूँ ताकि मैं फटाफट कुकिंग कर लूँ और सारा कुछ साफ कर लूँ। और अंजुश को अभी चाहिए स्पून, सो हम अंजुश को देंगे स्पून और फटाफट अपना काम स्टार्ट करेंगे। हैव इट, आर यू ओके विद इट? यस पांडा पून, इज इट ओके? ओके, एंजॉय योर ग्रेप्स। कोई बात नहीं, गोश्त हम लोग का बॉयल हो रहा है। एक दफ़ा मैंने कुकर बंद किया, पता नहीं क्यों सारा बॉयल स्पिल होना शुरू हो गया, फिर मैंने दोबारा से इसे खोला और बंद किया, शुक्र है कि अभी ये सही चल रहा है। एनीवेज अभी मैंने किया है वज़ू, मैं पहले पढ़ूंगी नमाज, अंजिश बैठी हुई है, और तब तक हम लोगों का गोश्त बॉयल हो जाएगा और फिर मैं हांडी बना लूँगी, और तब तक साथ ही मैं नमाज भी पढ़ लूँगी। और नीचे भी इतना ज़्यादा कोई गंद हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, क्या चीज़ है ये, तो मुझे वैक्यूम क्लीनर भी चलाना है, पता नहीं किसके शूज़ के साथ आई है। सालन ऑलमोस्ट मेरा बन गया है, और जोहर भी मैंने पढ़ ली थी, अभी मैं अपनी ये सारी स्टेयर्स साफ़ करूँगी। बाकी सारे घर से मैंने वैक्यूम क्लीनर चला लिया था, लेकिन मेरा ये वाला एरिया जो है ना स्पेशली स्टेयर्स ये रह गई थी, कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी मेरे पास 15-20 मिनट्स हैं, इसमें मैं अपनी सारी स्टेयर्स साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर हम मनीहा को लेने जाएंगे, और असर की अजान भी हो गई है। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं नमाज़ पढ़ के जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं मनीहा को वापस ले कर आके असर की नमाज़ पढ़ूँगी। सारे काम ख़त्म करके वी आर हियर टू पिक मनीहा फ्रॉम द स्कूल, और बस अब जाके मैंने बच्चों को सुलाना है, और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो कुछ मैंने पीआरस की अनबॉक्सिंग करनी है जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, और अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा। एंड उसके अलावा मशीन भी मैंने लोड करनी है, रात को मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी सो मैं नहीं कर सकी। मशीन लोड करना मुझे इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं जान ही छुड़ा रही होती हूँ। और मुझे लगता है अभी भी मेरी दो तीन दफ़ा मशीन और लोड होगी तो हम लोग के कपड़े ख़त्म होंगे। How was your day? कोई बारिश होने वाली है। हाँ हाँ, जल्दी से अपनी स्कूटी लो, हरी आप, वो खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है स्कूटी आपकी आज। हेलो गाइस, वी आर बैक टू आवर होम, और रात की रूटीन हम आप लोगों को क्या, और रात की रूटीन हम आप लोगों को रात को, रात की रूटीन रात को ही दिखाएंगे। हाँ ठीक है, अब हम घर पहुंच गए हैं। Can you open the door for me? Okay. Try. I'll do it up now, Mama, है ना? ठीक है। I will see if you can open it or not. मेरे ख्याल से आपकी उल्टी डाल रही हैं। उल्टी नहीं डाल रही, सीधी डाल। नहीं, इसको उल्टा डालते होते हैं। Everything. Yes, try.
थी, मैंने छोटी कर दी। लीव इट, आई ओपन इट। ओके, लंच करोगी? ठीक है, चलो करते हैं। हां, अपन ओपन ग्रेप्स। अब आई ग्रेप्स क्या है? आपने ग्रेप्स खाए थे ना? लेकिन आज अभी भी से ग्रेप्स ही मिलेंगे। नो आपा के ग्रेप्स खानी है। ये वाले लो, ये सैंडविच और ये आपा का यमी। अपना हाथ में उठाया हुआ और आपा से खा रही है और अब अपना आपा को दे रही है। आपा को थैंक यू बोला? आपने लंच दे दिया। बस डन? नो। क्या खाना है? चलो आप लोग लंच फिनिश करो, मैं आप लोगों के लिए फीडर्स डालती हूँ। यम्मी है? अंदर क्या खा रहे हो? आई हैव ऑफर्ड ऐसा की नमाज, उसके बाद मैंने मंजिल पढ़ी, बच्चे रूम में ही खेल रहे हैं, मैं अभी मगरिब की नमाज पढ़ने लगी हूँ, हमारे पास मगरिब की आजान हो गई है, उसके बाद मैं इनको सुलाऊंगी। बाकी द सीन इज आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि आज आकिब की कॉल है, आकिब या तो अब कल सुबह आएंगे या लेट नाइट आएंगे, तो हम लोग आज का सारा दिन अकेले ही गुजारेंगे और मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। मगरिब पढ़ के बच्चों को मैं सुलाऊंगी तो मैं भी इनके साथ ही सो जाऊं फटाफट। पहले मैंने एक अनबॉक्सिंग करनी है, वो मैं अनबॉक्सिंग करूंगी, उसके बाद जो है ना हम लोग सो जाएंगे। खाना मेरा बना हुआ है, आके लेट आएंगे, जब आके आएंगे तो मैं इनके लिए रोटी बना दूंगी। बाकी ऐसा सच मेरा कोई काम नहीं है इम्पॉर्टेंट जिसके लिए मैं जागी रहूं, तो मैं भी सो जाऊंगी। और इसको शायद अब हम कल ही दूसरे रूम में लेके जाएंगे क्योंकि ये अकेले मैं मूव नहीं कर सकती और आकिब अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये सीन है। बच्चे सो गए हैं और अब मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करूँगी पीआरस की, क्योंकि आर ब्रांड्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया है जिनकी अनबॉक्सिंग रहती है, और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब किसी का काम पेंडिंग होता है। तो अभी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाऊंगी, उसके बाद शायद मैं भी सो ही जाऊँ। बच्चे सो के उठ गए हैं, हम लोग नीचे आ गए हैं, अभी मैं फटाफट बनाऊंगी रोटी और इनके लिए नूडल्स फ्राइज जो कुछ इन लोगों ने खाना हुआ। फटाफट हम अपने खाने पीने के काम सारे ख़त्म करेंगे और उसके बाद दोबारा हम लोग ऊपर चले जाएंगे। आके अभी शायद थोड़ी देर के लिए आएंगे खाना खाने के लिए, उसके बाद वापस हॉस्पिटल चले जाएंगे, और फिर अगर आके फारिग हुए तो लेट नाइट ही आएंगे या फिर सुबह आएंगे। सो गाइस द सीन इज आकिब आके खाना खा के वापस चले गए हैं। अभी हमारे पास रात का 1 बजने वाला है और मेरे बच्चों की आंखों में कोई नींद नहीं है क्योंकि ये लोग मेरे ख्याल से अराउंड 8 सो के उठे थे। मैंने अभी किया है वज़ू, मेरी ईशा की नमाज़ रह गई थी वो मैं अभी पढ़ने लगी हूँ, उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं इनको सुलाऊँ अगर ये लोग सोए तो, अदरवाइज दे कैन कैरी ऑन वट एवर दे आर डूइंग। हमारी रूटीन अगर रात की वापस आ गया है, हम मैंने आपसे कहा था रात की रूटीन हम आपको रात को दिखाएंगे। और रूम का ये हशर, और ये रूम का हशर किसने किया हुआ है? अंजिश और मैंने दोनों ने मिलकर। अब इसको आप सेट भी कर दो जब तक मैं लाइला पढ़ती हूँ। पर हमें खेलना है। थैंक यू। आर यू गाइस आर नॉट स्लीपिंग? अभी हमारे पास हो गए 1:30, मैंने इनको बेड पे लटाया है। आई होप अब ये लोग सो जाएंगे, हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। आके किसी टाइम भी आ जाएंगे, जब आके फ्री होंगे वो आ जाएंगे। हम लोग सोने लगे हैं, डोर की कीज हैं आके के पास, आके बाके डोर ओपन कर लेंगे। लिटरली इस टाइम मेरी बिल्कुल बस हो गई है, सो हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे सारा सीन।
And yes, see you guys tomorrow, inshallah, with another vlog. Don't forget to like, comment, and share. Also, don't forget to subscribe my channel. Bye. Bye.